ठीक है जी। आप सर? बस मैं बड़ा एक यूनिक मिलेट फेस्टिवल आज हमारे यहाँ पे चल रहा है, जिसके बारे में अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाह रहे थे। मैम भी हैं यहाँ पे, कुकरी एक्सपर्ट हैं, इंदौर से आई हैं ऑल द वे। तो मैं गुरु मनीष जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैम को भी तो इंट्रोड्यूस कर दें और कॉन्सेप्ट के बारे में भी मीडिया से बता दें कि हम ये कर क्यों रहे हैं मिलेट फेस्टिवल। मैं पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। ये मेरे राइट साइड पे हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, जो MBBS हैं और डबल MD हैं। एक MD है पीडियाट्रिक्स में और एक MD है कम्युनिटी मेडिसिन में। पटियाला में ये एक सेंटर चलाते हैं, अपनी तरह का भारत का अनोखा सेंटर। ये हॉस्पिटल भी खैर यही चलाते हैं, हॉस्पिटल और एक पटियाला में क्लिनिक। एक रुपये की दवाई के बिना कोई भी बीमारी, जो भी शुगर है, BP है, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं और क्रॉनिक डिजीज हैं, और उन सबको सिर्फ खाना पीना बदल के, वो डॉक्टर साहब ज़्यादा बेटर भी बता देंगे कैसे उसको रिवर्स करना, वो सिखाते हैं। और मेरे लेफ्ट में हैं मेघना शुक्ला मैम, ये इंदौर से आए हैं। हमने पिछले 18 तारीख से लगातार एक मिलेट्स का फेस्टिवल शुरू किया है, लोगों को मिलेट्स के बारे में बताना, मिलेट्स के बारे में समझाना, उसको पका के दिखाना, बना के दिखाना और टेस्ट कराना, जैसे अभी आप लोग भी करोगे। तो मैम इंदौर से, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले डॉक्टर साहब इस मिलेट मेले के बारे में और मिलेट्स के द्वारा और मेडिसिन प्लांट्स के द्वारा कैसे बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है, वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, ये जो एक नया कॉन्सेप्ट है कि बिना दवाइयों के कैसे ठीक करना है, ख़ास तौर पर जो क्रॉनिक एंड इनक्योरेबल डिसऑर्डर्स है, जिसको जिसकी पूरी एपिडेमिक है हमारे आसपास में, जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड BP है, वेट की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जीज़ है, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट भी है, और पूरे का पूरा हर घर में कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी है, किडनी का फेलियर है, लिवर का फेलियर है। तो ये सारे का सारा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रकोप जैसे हमारे समाज में चल रहा है। पिछले 50-60 साल से पहले ये बीमारियां नहीं होती थी, बहुत जब बहुत कम थी। तो ये जो पिछले 40-50 साल में जो चेंज हुई है, इसमें क्रॉनिक एंड इनक्योरेबल डिजीज़ का बहुत बड़ा जैसे कोई एपिडेमिक हो गया लगता है, ऐसे वो उसमें कुछ इन्फेक्शन भी हैं, जैसे काला पीलिया B है, C है, HIV है, या बहुत सारी और क्रॉनिक इन्फेक्शन हैं, पेट की हैं, H. pylori है, औरतों को जो जिसको लिकोरिया बोल देते हैं वो है, या जुकाम ही बिगड़ जाता है तो जुकाम ही नहीं ठीक होता लोगों का, कम्युनिटी बहुत लो जिसमें होती है। तो ये सारे का सारा पूरे का पूरा एक सीन है, जिसमें एलोपैथिक दवाइयाँ खा करके या सर्जरीज करवा करके सिर्फ मैनेजमेंट होती है। ये बीमारी है, बीमारियाँ ऐसी हैं जिससे जो क्योर नहीं होती उनसे, उसको तभी इनक्योरेबल डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि क्योर नहीं होगी। उसमें जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको कहेगा कि आप ये दवाई लेते रहो, उससे थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, थोड़ी देर में फिर वो वहीं रहेगा, और सारी उम्र दवाइयाँ खाते रहो, शुगर की दवाई खाते रहो, BP की खाते रहो, और जितने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, अस्थमा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लंबी लिस्ट है, सिंगरेणी है। तो ये पूरे का पूरा एक सीन है। तो पूरी दुनिया में ये जब जो 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 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते थे, उन लोगों ने काम करके एक पैरेलल सिस्टम डेवलप किया कि ये जो केमिकल दवाइयाँ खाने वाला काम है, एक तो ये क्योर नहीं करता, सिर्फ मैनेज करता है, दूसरा अपने आप में बीमारी बन जाता है वो। और आपने देखा होगा कि एक बीमारी की दवाई आप लेने जाओ, अगली बार जाओगे तो वो गोली बंद नहीं होगी, उल्टा एक गोली और ऐड हो जाएगी, जितनी बार भी जाओगे एक आध गोली ऐड हो जाएगी, और अल्टीमेटली 2-3-4 साल बहुत लंबी लिस्ट होती है, 10-12-15 गोलियों की जो पेशेंट खा रहा होता है, और तब तक 2-3-4 बीमारियाँ और आ गई होती हैं। तो एक बीमारियों की लिस्ट होती है और एक दवाइयों की लिस्ट होती है, और आदमी पूरा अपने आप में एक हॉस्पिटल होता है। तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है, उसके एक पैरेलल सिस्टम डेवलप हो रहा है पूरी दुनिया में, जो ये कहता है कि हमारे अंदर जो ह्यूमन बॉडी है वो बीमार होने के लिए बनी नहीं। ह्यूमन बॉडी की बेसिक जो कुदरत की, परमात्मा की जो रचना है, वो हेल्दी रहने के लिए है। उसको अगर 100 साल के लिए या 125 साल के लिए उसका सॉफ्टवेयर जो बना है, उसका जो बिल्डअप है बॉडी का, वो उसके अंदर ही अपनी क्षमता है ठीक करने की, और उस क्षमता को सिर्फ जगाना है उसको। वो जो सुस्त हो जाती है, सो जाती है, तो आदमी बीमार हो जाता है। अगर वो जग जाए, उसको अलग अलग
योगा वाले उसको प्राण ऊर्जा कहते हैं, आप उसको जीवनी ऊर्जा कह सकते हो, जीवन ऊर्जा कह सकते हो, परमात्मा शक्ति कह सकते हो, इम्यूनिटी कह सकते हो, नाम कुछ भी दे लो उसका, तो उसके अंदर एक हमारी शक्ति है जो जो जिसमें सेल्फ क्योर होता है, अपने आप ठीक करने की क्षमता है, तो उसको कैसे बढ़ाना है, वो एक पैरेलल साइंस डेवलप हो रही है जिसको हम होलिस्टिक हेल्थ केयर कहते हैं। होलिस्टिक हेल्थ केयर यानी कि आपने पूरी की पूरी पूरे के व्यक्ति की लाइफ को बदलना है, उसके खाने पीने का अंदाज बदलना है, उसके आसपास में जो कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो उसका यूज़ उसने करना है, साथ में उसने कोई एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क करना है या योगा करना है, साथ में उसमें माइंड को कैसे रिलैक्स रखना है वो सीखना है, मेडिटेशन सीखनी है, और ये पूरे का पूरा ये अगर हेल्प लेनी है तो बाकी पैथीज जो है, हमारा जो आयुर्वेद का छतर है इतना बड़ा, जो हमारा हमारी जो सभ्यता का बहुत पुरातन सिस्टम है जिसमें बहुत कुछ अनंत समंदर पड़ा है, उसको पिछले 50 साल में कुछ उल्टा दबाया गया, तो वो भी हमारे पास एक बहुत बड़ा खजाना पड़ा है, उसमें भी बहुत कुछ है, तो ये सारे को मिला करके हम धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं, और उसमें या पिछले ये काम चल रहा है पिछले को 15-20 साल से, तो 20 सालों में हमने क्या अचीव किया कि अब हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, अब हम इतना एक्सपीरियंस हो गया हमको कि हम कहते हैं हम उनमें से सभी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, अभी ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं। मुझे ये नॉलेज जब मैं 10 साल 15 साल पहले भी था, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ओपनली डिक्लेयर कर दूं और मुझे ये पकड़ के जेल में दे दें कि आप एक गलत क्लेम कर रहे हो, तो वो मैंने इतनी हिम्मत नहीं की, मैं अपने पेशेंट का करता बरता रहा धीरे धीरे चुपके, तो आज इतना कॉन्फिडेंस है हम ओपनली टीवी पे भी आपके जरिए भी डिक्लेयर करते हैं कि हम ऑलमोस्ट सभी बीमारियों को थोड़ी सी छोड़ के, जिसका अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं हमारे पास, उन 2-3-4 बीमारियों को छोड़ करके लगभग जैसे डायबिटीज़ है हमारे लिए, इनके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है, हमारे लिए बहुत चुटकी की बात है, बीपी, ब्लड प्रेशर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में ये इतनी गंदी दवाइयाँ डालते हैं कि आदमी ठीक तो क्या होना उल्टा बीमार हो जाता है, तो आज हम इस स्थिति पर पहुँच चुके हैं कि हम ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम इन बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और इनकी हिम्मत नहीं है कि कोई आके हमको कोई कुछ कह देगा, क्योंकि अभी साइंटिफिक एविडेंस इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। तो एक तो ये, उसमें ये जो मिलेट्स वाली बात है, उसमें मिलेट्स हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है। अब मिलेट्स में गुण क्या है, जो कि बहुत बड़ा हमारे फूड में कमी थी कि हमारे फूड में हाई शुगर करने वाले फूड्स बहुत ज़्यादा हैं, एकदम से जो शुगर की पीक मारते हैं एकदम, उसमें चीनी वाली चीज़ें तो हैं ही हैं, वाइट राइस हैं, ये जो गेहूं आई है, ये जो हाइब्रिड गेहूं आई है वो भी ऐसी है, पुरानी गेहूं तो पता नहीं शायद कुछ ठीक थी, लेकिन जो हाइब्रिड गेहूं आई है इनका भी वही करेक्टर है। अब ब्रेड के बारे में लेटली रिसर्च आ गई है कि ब्रेड इज़ एज बेड एज प्योर शुगर, इस मामले में कहते ब्राउन ब्रेड जी ये जी वो जी कुछ भी कोई भी ब्रेड आप खाते हो तो इतना ही नुकसान करेगी आपको जितना जैसे आप चीनी खा रहे हो। तो ये पूरे का पूरा जो पूरे का पूरा सिस्टम पूरा इस्टेब्लिश हो चुका है, उसमें से जो मिलेट्स हैं उसका उनमें एक जो गुण है कि वो उनका जो उनके अंदर जो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो उनके अंदर जो स्टार्च है वो ऐसे स्पायरल शक्ल में है, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग किस चीज़ का है, फाइबर का, और उसके साथ वो स्टार्च लगी हुई है, और जैसे जैसे वो स्प्रिंग खुलता है अंदर जाके हजम होती है वो, वैसे वैसे वो शुगर रिलीज करता है। इसका मतलब जब हम मिलेट्स खाएंगे तो पीक नहीं चलेगी, वो धीरे 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 शुगर ऊपर जाएगी, फिर धीरे 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 नीचे आएगी, तो यही हम चाहते हैं। जब वो हो जाता है, शुगर की पीक खत्म हो जाती है, तो साथ में इंसुलिन की पीक भी खत्म हो जाती है। शुगर की पीक और इंसुलिन की पीक दोनों इकट्ठी चलती हैं, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन चाहिए, तो वो जो दोनों पीक चलती हैं, ये दो बहुत बड़े जो डेविल हैं जो बीमार करते हैं, और दोनों अगर मान लिया शुगर को आपने कंट्रोल कर लिया तो दूसरे वाला आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गया, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो मिलेट्स वाला जो फिनोमेना है जिसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं, वो मिलेट्स बहुत ही वंडरफुल ग्रेन्स हैं, और इसमें डॉक्टर खादर वली जो 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 मिलेट मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं, उनकी बहुत ही वंडरफुल रिसर्च है, उनको सल्यूट है कि उन्होंने अपने 25 साल की रिसर्च से ये 5 मिलेट्स को निकाला कि दीज आर द बेस्ट ग्रेन्स, जो हमारे खाने के लिए बेस्ट ग्रेन्स है, ये कुटकी है, कोदरा है, कंगनी है, हरी कंगनी है, और स्वांक है, ये 5 बेस्ट मिलेट्स हैं। उसके बाद आपके बाद जो न्यूट्रल अनाज है वो मक्की है, बाजरा है, ज्वार है, जौ है, रागी है, आपका किनुआ है, आपकी चुलाई है,
तो ये 6-7 और हैं, तो हमारे पास 10-12 और अनाज हैं गेहूं और वाइट राइस के अलावा भी जो हेल्दी हैं, लेकिन ये 5 उनमें से द बेस्ट हैं। तो इन 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 बेस्ट पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं। हम बेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो छोटे मोटे पेशेंट्स नहीं हैं, वो इनकोरेबल डिजीज से दबे हुए पेशेंट्स हैं, जैसे किडनी फेल हो रही है, किसी का लिवर फेल हो रहा है, कोई शुगर का बिगड़ा हुआ मरीज है, कोई बीपी का बिगड़ा हुआ मरीज है, कोई हार्ट के जिसके कोई वो ब्लड वेसल नहीं काम कर रहे, तो इसलिए हमको इस 5 पे फोकस करना पड़ रहा है। अभी ये 5 को हम पिछले 2-3 साल से बहुत मैसिवली दे रहे हैं और बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, बहुत ही वंडरफुल। हम खुद बहुत स्टन्ड हैं। हमको ये उम्मीद नहीं थी कि मिलेट्स का इतना अच्छा रिजल्ट होगा, पहली बात, और दूसरी बात मैं ये उम्मीद नहीं थी कि लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। मुझे याद है आज से 2 साल पहले हमें 2 बातों पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मिलेट एक्सेप्ट कर लेंगे लोग इतने ज़्यादा, और काढ़े, ये काढ़े भी डॉक्टर खादर वली ने पॉपुलराइज दोबारा किए हैं। हालांकि काढ़े हमारे आयुर्वेद का बहुत ही एक बेसिक चीज़ है, लेकिन डॉक्टर खादर वली ने आके मिलेट के साथ काढ़े वाला जो कंसेप्ट है वो कंबाइन करके उन्होंने जो हमें सिखाए, तो बहुत एक वंडरफुल हमारे पास टूल्स आ गए, 2 काढ़े मेडिसिनल प्लांट्स के और ये मिलेट्स, और इन दोनों को मिला करके और हम खुद भी हैरान रह गए कि लोगों ने इतनी जल्दी मिलेट्स एक्सेप्ट किए और इतनी जल्दी काढ़े भी एक्सेप्ट किए, और उसका जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, मतलब हमारे लिए, मुझे हमें लगता है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास शुगर वाला पेशेंट आ जाए, बीपी वाला आ जाए, वेस्टी वाला आ जाए, सिंगरेणी वाला आ जाए, वो अस्थमा वाला आ जाए, रिमेटाइड वाला आ जाए, हम बड़े खुश होते हैं कि ये तो 100% ठीक होने वाला है। वो आदमी तो बहुत चिल्ला रहा होता है, उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये छूट जाएगी। जब हम उसको बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं हाँ आपकी, और अभी इतना कॉन्फिडेंस है हमें कि हम टाइम फ्रेम भी दे देते हैं उसको। जैसे मैं अक्सर पेशेंट्स को ऑटोइम्यून वालों को कहता हूँ कि 3 महीने में आपके सिम्टम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट, पूरे नहीं होंगे, 1 साल में ये बीमारी आपकी जड़ से जाएगी, जिसके लिए उन लोगों ने आपको बताया हुआ कि पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, और दवाइयाँ इतनी गंदी हैं कि वो दवाइयाँ खुद बीमारी बन रही हैं, और वो पेशेंट वैसे ही बिहेव करता है। वो 3 महीने के बाद आएगा तो जो मैंने बताया था वही उसकी वो रिजल्ट्स आएंगे। वो इतनी मतलब साइंस प्रिसाइज कर ली हमने धीरे धीरे, तो साइंस का मतलब ये होता है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये रिजल्ट्स आएंगे, तो इस लेवल पे हम आ चुके हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी उसमें शॉर्ट कमिंग थी, उन मिलेट्स को हम दवाई की तरह यूज़ कर रहे थे, तो पेशेंट जब सुन के जाता था तो वो खाता था। बहुत कुछ पेशेंट तो होते हैं क्रिएटिव, वो तो कर लेते हैं, टेस्टी वेस्टी बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट उसको दवाई समझ के खाते हैं, भी खाना है। तो ये एक बहुत ही हमें बहुत शौक लगी कि ये तो अच्छी बात नहीं है, खाना तो खाना है, क्योंकि सारी उम्र खाना है, तो अगर टेस्टी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो खाने को खाने की तरह खाना, टेस्टी बना के खाना, वो अट्रैक्ट करे आपको, उसकी स्मेल अट्रैक्ट करे, उसका साइट अट्रैक्ट करे, उसकी जो परोसने की कला है वो अट्रैक्ट करे, किचन में बनाने वाले को आनंद आए बना करके, और खाने वाले को भी आनंद आए। तो वो एक कला थी, जो उसके कला के जो निपुण हैं, जो मैडम बैठे हैं, मैडम मेघना शुक्ला, और पहले हमने राम बाबू हैं, बहुत वो भी बहुत पॉपुलर हैं, वो भी हम पंजाब में मेरे ख्याल में 3-4 बार आ चुके हैं, और इस बार हमने मेघना जी को रिक्वेस्ट की थी कि आप लंबे समय के लिए आओ, तो ये हमारे पास 9 दिन का टूर करके जा रहे हैं, और सब जगह पे कामयाब हुए हैं हमारे जो इनका जो जितने प्रोग्राम हुए हैं। बाकी ये अपने मुंह से बताएंगे आपको क्या क्या एक्सपीरियंस रहा इनका। तो ये वंडरफुल ग्रेन्स हैं जो हमारे पास, बहुत बड़ी हमारी AK-47 ये चलती हैं सब जगह, बहुत सक्सेसफुली चलती हैं। तो इसलिए हमने आपको कष्ट दिया कि आपके ज़रिए हम इसको एक मूवमेंट बनाना चाहते हैं, और हम आज पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आने वाले 10 साल में हम इन बीमारियों पे एक सॉलिड कंट्रोल करेंगे, और ये कहना बंद कर देंगे, ये डॉक्टर खुद कहना बंद कर देंगे कि ये इनक्योरेबल है, ये खुद ही कहेंगे भाई आप उनसे जाके समझ लो। अभी भी कहने लगे हैं, अभी भी बहुत सारे डॉक्टर जो बहुत जेंटल हैं, जो कमर्शलाइज नहीं हुए बहुत ज़्यादा, तो अभी वो हमारे पास भेज देते हैं कि उनके उनसे डाइट उनसे समझ के आ जाओ, दवाई वाली जो खानी है खा लो। तो ये वाला जो तो और एक आध शायद डिकेड और लगे, और उसके साथ मैं थोड़ी सी बात और भी बता दूंगा आपको कि ये सिर्फ हेल्थ की मूवमेंट नहीं है, ये खेती की मूवमेंट भी है, क्योंकि खाने के लिए अगर हम खाएंगे तभी अगर खेत में उगेगा, तो और खेत में भी जो हमारे पास आजकल जो पूरे का पूरा ये किसान आंदोलन चला है गेहूँ और जीरी को लेके, जो सारा तमाशा हो रहा है पूरे का पूरा, के इतना ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गया कि उसको
परचेज करने को कोई तैयार नहीं है, तो आप इसके लिए किसानों को लड़ना पड़ रहा है कि हमारी खरीदो जी जोर जबरदस्ती। अब जब हम उसको थोड़ा सा डाइवर्सीफाई करेंगे, उसको मिलट्स लेके आएंगे या उसके साथ जो और हेल्दी प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, तो खेती भी बदलेगी हमारी। और इसमें ह्यूज एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये सारे लेबर ओरिएंटेड हैं, ये मेहनत से पैदा होती है, तो उसके लिए खेती भी बदलेगी, ऑर्गेनिक आएगी, ये जहरों का चलन जो है ये भी कम होगा, हवा पानी मिट्टी हमारे बदलेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये पूरी एक समाज की मूवमेंट बनने जा रही है आने वाले एक दो दशकों में। तो इसलिए हम लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं और हम शुक्रगुजार हैं उस परमात्मा ने जिसने हमें चुना इस बात के को प्रचार करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि आप भी बहुत खुशी महसूस करेंगे इसमें, क्योंकि ये एक बहुत ही पुण्य का काम है, क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल ऐसी होपलेस जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बहुत ही होपलेस, बिल्कुल बेआस होते हैं, हमारे पास जब आते हैं तो पूरी के पूरे वो खुश जाते हैं। अब उनसे चेहरे से पता चल जाता है कि आए थे तो बहुत निराश चेहरा था, जाते हैं तो बहुत खुश जाते हैं। तो इसमें आप भी इस मूवमेंट में शामिल हो रहे हो, तो हम मिलजुल के मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत ही एक बढ़िया और पुण्य का काम करेंगे, जिसमें ये तो रीजन पर्टिकुलरली वल्नरेबल है, पंजाब हरियाणा और ये बड़ा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। और वैसे तो हिंदुस्तान में पूरे में ये मूवमेंट करेगी और पूरी दुनिया में भी, हमारे पास पूरी दुनिया के पेशेंट हैं जो डिस्टेंट वहीं बैठे, हम अब ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करने लगे हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि हम फ़ोन से ही उनको वहीं पे बैठे, कोई कनाडा में बैठा ठीक हो रहा है, कोई अमेरिका में बैठा ठीक हो रहा है, कोई इटली में, लगता है दुनिया का कोई मुल्क नहीं है चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के, जहाँ से एक आधा हो रहा होगा अफगानिस्तान जैसा, तो मुझे लगता है सारे यूरोप से लगभग सब देशों के पेशेंट्स हमारे पास ऑनलाइन आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मूवमेंट बन रही है, तो आइए हम सब मिलकर के इस मूवमेंट का हिस्सा बने और आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट हो। अभी एक बार क्वेश्चन हम लास्ट में ले लें, एक बार मैं चाह रहा था मैडम, तो थैंक यू डॉक्टर साहब। तो मैं चाहूँगा जो मेघना मैम जो मिलेट्स के कुकिंग की रेसिपीज, जो कि एक ऐसा खाना जो कि हेल्थ भी देता है और स्वाद भी देता है, तो मैम अपने टूर के बारे में और इस अभियान के बारे में ज़्यादा बेटर बता पाएंगे मैम। पंजाब मैं 17 तारीख को आई हूँ, तब से हर दिन एक नया शहर, नया गांव या नई जगह पर हम ये कर रहे हैं, और आज हमारा 10वां दिन है और ये 10वीं जगह है जो हम कर रहे हैं, और हर जगह रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला है, और कई जगह तो लोग काफ़ी दूर दूर से 2-2 घंटा ट्रैवल करके भी आसपास की सिटीज से आते हैं सीखने के लिए। तो ये मूवमेंट काफ़ी टाइम से चल ही रहा है पंजाब में, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही थी कि एक तो यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं थे, तो जो किसान उगा रहे थे उन्हें इसे आगे प्रोसेस करना नहीं मिल रहा था, तो वो भी यूनिट्स अब इस साल एक सेट हो चुकी है, 2 और सेट हो रही है, 3 यूनिट्स हो जाएंगी। तो काफ़ी जो साउथ से अभी मंगवाना पड़ रहा है वो पंजाब में भी होना शुरू हो गया है। और दूसरी बात ये है कि लोगों को एक बहुत दिक्कत ये आ रही थी कि इसका जनरली सिर्फ चावल खिचड़ी या दलिया वगैरह ही बनाकर खा पा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा इडली डोसा बना रहे थे। और सिंस पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर रोटी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं खाना चावल की बजाय, तो इसलिए लोग उसे रिलिश नहीं कर पा रहे थे, और हम चाहते हैं कि ये हमारा ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ अपनी बीमारी ठीक करने के लिए ही इसे खाएं, हम चाहते हैं कि पूरा परिवार, इवन बच्चे जो हमारा फ्यूचर है देश का, उनके हेल्थ के लिए, क्योंकि आज बहुत जंक फूड और ये सारे खा रहे हैं बच्चे। और एक चीज़ है कि क्यों पूरे घर का ढर्रा क्यों बिगड़ा हुआ है खाने का, उसका कारण ये है कि गेहूं चावल जब हम खाते हैं, जैसा सर ने बताया कि बहुत तेज़ी से ये शक्कर रिलीज करता है और उसी तेज़ी से फिर सबको भूख भी लग जाती है, तो अगर हम गेहूं चावल खाते हैं ना, उसी पर बेस्ड अभी हमारा खाना है, तो दिन में कम से कम 5 से 7 बार लोग नाश्ता खाना सब मिलाकर इतनी बार खाना खाते हैं, जबकि अगर ये मिलेट्स खाए जाएँ तो दिन में 2 बार खाना इनफ रहता है, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो 3 बार खा लेंगे, ज़्यादा भूख ही नहीं लगती है, तो उससे क्या होता है कि आपके घर में जंक फूड आना बंद हो जाता है, अभी इतनी बार भूख लगती है कि आप इतनी देर बार खाना बना नहीं सकते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि बार बार बिस्किट सेव पापड़ी मट्टी सारा मार्केट से आना शुरू हो जाता है। अगर आप एक बार खाया और दिन भर आप सेटिस्फाइड हैं, आपको भूख नहीं लग रही है,
तो आप फिर ये जंक फूड भी नहीं खाते, और सेम ये बच्चों के साथ भी है कि बार बार भूख लगती है और माताओं को भी लगता है अब क्या दें, तो मार्केट से बहुत सारा खाना हमारे घर में आने लगता है। तो अगर हम मिलेट्स पर शिफ्ट होंगे तो बहुत अच्छे से एक मैनेज कर सकते हैं और बहुत एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आ सकते हैं। अभी जो एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो गया है, अगर पॉजिटिव मिलेट्स या ये जो 5 मिलेट्स हैं इन्हें अगर हम अपने भोजन में उतारते हैं तो एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगा हर फैमिली में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें बच्चे बूढ़े और जवान या हमारी फैमिली में नॉर्मली हम खाते हैं, अगर आपको पकौड़ा पसंद है आप पकौड़ा खाइए, आपको दही बड़ा पसंद है आप दही बड़ा, पूड़ा पूड़ी पराठा रोटी जो आपको पसंद है, अगर अपने पसंद का भोजन आपको मिल रहा है तो फिर आप क्यों नहीं खाना पसंद करेंगे वो चीज़ जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो इसलिए अब हम चाह रहे हैं कि हम सबको सिखाएं, थोड़ा सा इन मिलेट्स को थोड़ा सा भिगोने की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की होती है जब हम इन्हें पकाते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम अपना मेथड हल्का सा चेंज करते हैं पकाने का तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत टेस्टी खाना बन सकता है। तो इसलिए अब हम चाह रहे हैं कि सिर्फ पेशेंट नहीं पूरा परिवार बच्चे भी इसे अपनाएं, इसलिए हम सबको अब चाह रहे हैं कि इस तरह से खाना बनाना सिखाएं कि पूरी तरह से इसे अपना सके पूरी परिवार। थैंक यू मैम। मैम पंजाब के अंतर्गत 75% ग्लूटेन है इस मिट्टी में, तो अगर मिलेट्स यहाँ पे उपजाए जाएंगे तो क्या उसमें उसका प्रभाव दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं, वो नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, ग्लूटेन गेहूं का, गेहूं में होता है, मिट्टी में नहीं होता। बिल्कुल, तो उसमें क्या उसका प्रभाव तो किसी भी जो भी उपजाएंगे उसमें भी रहेगा ना? नहीं नहीं, वो बात अलग हो गई ना कि मान लिया हमारी मिट्टी में अगर कोई टॉक्सिन है, जहर है, तो वो सब चीजों में आएगा, लेकिन ग्लूटेन जो है स्पेसिफिकली गेहूं में ही होता है। ठीक है, मिट्टी में टॉक्सिन और टॉक्सिन तो हो सकते हैं। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि ये नेचुरल फसल है ना, इनमें यूज नहीं होते वो, एक्चुअल में इस पे स्प्रे भी यूज नहीं होता, कोई 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 वो धीरे धीरे खत्म, ये सारी जंगली फसलें एक तरह से अपने आप उगती हैं, पानी भी नहीं लेती। आप ये देखो ना, 1 किलो चावल उगाने में 2500 लीटर पानी लगता है, 1 किलो गेहूं उगाने में 250 लीटर पानी लगता है, इसको 1 किलो उगाने में सिर्फ 30 लीटर पानी लगता है। तो पानी की समस्या भी दूर हो रही है, आपकी हेल्थ की समस्या भी ठीक हो रही है, आपकी इकोनॉमी भी सुधर रही है, किसान को भी कमाई आ रही है, रोजगार भी आ रहा है, ये सारा सॉल्यूशन इसी एक मिलेट से निकल रहा है। लेकिन आप लोगों की मदद क्यों चाहिए? पंजाब सरकार में आप बात करो, हरियाणा में सरकार से मिलते हो तो वहां बात करो, ये सैंपल्स हम आपको बताने को देने को तैयार हैं, क्योंकि अभी ये सारा आ रहा है साउथ से, तो आ रहा है तो वहां से इसकी कैरिंग भी पड़ती है, लगभग 9-10 रुपए किलो तो खर्चा पड़ जाता है इसके ऊपर साउथ से यहां लाने में। अगर यहीं का किसान उगाएगा और यहीं हम खरीदने को तैयार है, अभी हम 50 टन कम से कम 50 टन हम अभी सिर्फ यहां सिर्फ पटियाला और चंडीगढ़ रीजन में हम यूज कर रहे हैं हम लोग सिर्फ पेशेंट्स को देने में, तो 50 टन कहां से आ रहा है? उधर से। अगर हम उगा रहे हैं, हम कहते हैं यहां का जितना किसान उगाए हम सारा खरीदने को तैयार हैं, और हमारे हम तो पेशेंट्स को दे रहे हैं ना, और हम अब पेशेंट के साथ जो मैम को जोड़ा हमने, तो इसलिए जोड़ा कि पेशेंट वाला फूड ना बन के अब ये नॉर्मल फूड बन जाए। हमें 3-4 केक शॉप से भी कांटेक्ट किया है, बिस्किट बेकरीज ने भी कांटेक्ट किया है कि हमें बताओ कैसे बनते हैं, हम इसके बना के बेचना शुरू करते हैं ताकि लोगों को हेल्दी चीज़ मिले, क्योंकि हमारे घरों में जहर घुस चुके हैं, चीनी, सफ़ेद चीनी जहर, सफ़ेद नमक जहर, नकली दूध जहर, गेहूं चावल जहर, क्योंकि सारा जहर हम खाएंगे तो बीमारी पड़ेंगे ना, तो जब ये आएंगे ना तो फिर शक्कर भी आ जाती है, गुड़ भी आ जाता है, काला नमक आ जाता है, सेंधा नमक आ जाता है, तो हेल्दी चीज़ आ रही है। जब आप एक हेल्दी काम शुरू करते हो तो कई सारे हेल्दी काम साथ में शुरू हो जाते हैं। जब आप ऑर्गेनिक की तरफ चलते हो तो आप केमिकल छोड़ भी देते हो, तो इसीलिए हम लोग आप लोगों से एक उम्मीद गुजारिश कर रहे हैं कि भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से, पंजाब सरकार से, जहां भी आप लोगों की मीटिंग्स होती है, आप मिलेट्स की बात शुरू करो, आप मिलेट्स का प्रमोशन शुरू करो, आप मिलेट्स के फायदे बताओ, किसान उगाएंगे। अभी तो 3 प्लांट भी लग गए पंजाब में, जो पहले प्रॉब्लम थी शेलिंग का होगी, उसको
अब ये डॉक्टर साहब और इन्हें मदद करके जैतो में, अब वो किसान बेचारे गरीब थे तो हम लोगों ने अपने पास से फंड करके, अपने पास से पैसा इकट्ठा करके उनको प्लांट भी लगवा दिए कि भाई कोई कंपनी का नहीं लगवाया, किसान को ही लगवा के दिए। जैतो में लगा है और एक भवानीगढ़ में लगा और एक बठिंडा के पास भी बटाला में लगा है। तो ये प्लांट की क्या कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है अगर कोई लगवाना चाहते हैं? वो जो अलग अलग लेवल है उसके, शेलिंग शेलर है, जैसे चावल का शेलर है, जीरी का शेलर है, वैसे ये शेलर होता है। शेलर लगभग बड़ा शेलर लगाना चाहो तो वो तो 15-20 लाख का है, और छोटे 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 हैं जो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो सर 5 मिलियन है जो आपके, ये इसमें कौन कौन सा है? ये इसमें ये है कंगनी, ये है कोदरा, ये है कुटकी, ये है हरी कंगनी, और ये है स्वांख, जो व्रतों में खाते थे आप। पंजाब में हो जाते हैं सब, अभी उग रहे हैं इस टाइम भी। ये पंजाब के ही हैं ये वाले जो मेरे हाथ में जाती। ये बोर में नर्मा बेल्ट की वीड्स हैं, ये नर्मा बेल्ट दी वीड्स हैं, जो बहुत सारी हैं। मैं आपको एज वीड्स होंगी ऐसी नदीम नहीं होंगे, नदीम चुके सुट्टी जा रही थी, मतलब आप इन सुट रहे थे पहला, जिन्हू आप समझ रहे थे कचरा। एक्चुअली जे ये दवाई सी। एक होर दसदा, गुरु ग्रंथ साहब च ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੋਂ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕੋਧਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਧਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੇਹੂੰ ਚਾਵਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੇਹੂੰ ਚਾਵਲ ਆਇਆ ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਆਇਆ। ਕੋਧਰਾ ਮੀਨ ਬਾਜਰਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਾਜਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਮਿਲਟਸ ਇਹਦੇ ਬਾਜਰਾ ਬਾਜਰਾ ਮਿਲਟਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਿਲਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 9-12% ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਰਾਊਨ ਟੌਪ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12.5% ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਗੇਹੂੰ ਵਿੱਚ 1.2% ਹੈ, ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ 0.2% ਹੈ, ਇਹਦੇ 12.5% ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋਦਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 9.5% ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਵੇਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਹੈ, ਗੇਹੂੰ ਚਾਵਲ ਖਾ ਕੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਓਗੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਜੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ। ਇਨਮੇ ਸੇ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੀ ਰੋਟੀ, ਸਭ ਕਾ ਦਲੀਆ ਖਿਚੜੀ। ਆਪ ਲੋਗੋ ਸੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਭੀ ਆਪ ਯਹਾਂ ਸੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਆਪ ਲੰਚ ਕਰੋਗੇ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਇਸੀ ਕਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਇਸੀ ਕਾ ਹੈ, ਨਮਕੀਨ ਵੀ ਇਸੀ ਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਮ ਕੀ ਨੀਚੇ ਕੁਕਰੀ ਕਲਾਸ ਕਾ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਪ ਚਾਹੋ ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਲੋਗ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਖਾਨਾ, ਵੋ ਇਨਸੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸੀਖ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇ ਡਾਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਐਸੇ ਬਣਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਾ ਆਨੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੋ ਇਨਕੋ ਕਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਭੀ ਤੋ ਆਪਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜਾ ਰਹੇ ਹਮ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਪਕੜੋ। ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਡਮ, ਆਪਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। नहीं, बस वो पानी का ही बता रही थी कि जैसे ये फसलें हैं ना, इनमें पानी बहुत ही कम यूज़ होता है, तो केमिकल्स जैसे जाते हैं, हम मिट्टी में केमिकल्स डालते हैं, तो उसको पौधा तब तक ग्रहण ही नहीं करता जब तक पानी ना डले। तो इन फसलों में बिल्कुल भी केमिकल्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अब जैसे पंजाब की मिट्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड हो चुकी है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि अब इसकी मिट्टी को अगर ठीक करना है तो इन्हीं मिलेट्स को हम उगाएंगे, इन्हें ज़रूरत ही नहीं किसी भी तरह के केमिकल की, तो वापस मिट्टी ठीक हो जाएगी। मैडम, कभी हमारे ग्रामीण अंचल में जो है चक्कियाँ होती थी घर में, औरतें खुद चलाती थी, खुद आटा पीसती थी। आपने 2 महीने पहले कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पे, हाँ जी, और उस समय आपने इतने दावे नहीं थे जितने आज आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप काफी ज्यादा प्रफुल्लित हो, ऐतिहासिक में आप में काफी ज्यादा। नहीं, मैं आपके सामने अभी किडनी फेल वाले, लीवर फेल वाले पेशेंट भी पेश करने तैयार हूं, उसी के लिए कर रहा हूं। आपको लग रहा है कि 2 महीने में कितना परसेंट ये चीज मतलब बढ़ गई है, इसकी खपत या इसकी खेती? नहीं नहीं, इसकी खपत में नहीं मैं बात करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि आप जब 4 महीने पहले हमारे यहाँ आए थे तब हमारे हॉस्पिटल में लगभग एवरेज 25% लोग ऑक्यूपाई रहता था हॉस्पिटल ये वाला,
अभी 100% ऑक्यूपाई रहता है। अब हमारे पास एडवांस बुकिंग चल रही है, तो जो भी पेशेंट जा रहा है वो चार पेशेंट और भेज रहा है। किडनी फेल वाला एक ठीक हो रहा है, वो अपने चार को और बता रहा है तू भी जा मैं भी ठीक होके आ गया। इसको लेकर आप मतलब ग्राफ तैयार कर रहे हैं?